हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम कंजप्शन कर्व एंड एंजल कर्व। देखिए, उससे पहले आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पता होना चाहिए कि उपभोक्ता संतुलन में होता कहाँ है। उसके लिए कंडीशन है कि जहाँ पे उसकी बजट लाइन और जहाँ पे उसका इनडिफरेंस कर्व दोनों एक दूसरे के साथ टेंजेंट हो जाते हैं, उस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो जाता है। वहाँ पे उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाती है। देखिए, पॉइंट ई के ऊपर उसकी जो बजट लाइन है, ए बी बजट लाइन, उसकी जो इनडिफरेंस कर्व है आई सी के साथ ई पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है, यानी ई पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमाइज हो रही है बाई परचेजिंग द वाई ई अमाउंट ऑफ कमोडिटी वाई एंड एक्स ई अमाउंट ऑफ कमोडिटी एक्स, राइट। अब हम बात करेंगे कि कैसे इनकम में चेंज आने से, कंज्यूमर की अगर इनकम चेंज होती है तो इनकम में चेंज आने से कंज्यूमर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। व्हेन प्राइसेस एंड टेस्ट रिमेन कांस्टेंट, यानी कमोडिटी के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आएगा, कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस हैं एक्स एंड वाई के लिए उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो अगर इनकम में चेंज किया जाए तो कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होगा, तो वो हम बात करने वाले हैं। और उसका आंसर मिलेगा हमें इनकम कंजप्शन कर्व से। दैट इज अ लोकस ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग पॉइंट्स एज ओनली इनकम वेरीज, कि अगर हम कमोडिटी के प्राइसेस को और अगर कंज्यूमर के टेस्ट को अगर हम होल्ड करके चले, कॉन्स्टेंट मान के चले, तो सिर्फ इनकम में चेंज आने से कंजप्शन में कितना चेंज आएगा। यानी इनकम कंजप्शन कर्व इज ए सेट इज ए बास्केट ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग पॉइंट्स, जो हमें कंज्यूमर के जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होंगे उनको ज्वाइन करने से हमें मिलेगा इनकम कंजप्शन कर्व एज ओनली इनकम वेरी, जब सिर्फ इनकम में चेंज आता है। देखिए, हम जानते हैं कि इनकम जब चेंज होती है तो कंज्यूमर की जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाती है। इनकम इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर की बजट लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जब इनकम डिक्रीज होगी तो कंज्यूमर की बजट लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इनकम में चेंज आने से बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी और कंज्यूमर की जो परचेजेज है उनके अंदर भी चेंज आएगा। तो इन सबको हम दिखाएंगे इनकम कंजप्शन कर्व के द्वारा, कि कैसे इनकम में चेंज आने से कैसे कंज्यूमर की जो बिहेवियर है, कंज्यूमर की जो परचेजेस है उसमें कैसे चेंज आता है, राइट। यहाँ पे ये है हमारा इनकम कंजप्शन कर्व, जिसको हमने कैसे ड्राइव किया। देख लिए, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ऑफ एक्स को लिया है, वाई एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ वाई को लिया है। इनिशियली मान लीजिए हम ए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ए पॉइंट के ऊपर है, जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम पे है, जहाँ पे उसका इनडिफरेंस कर यू वन उसकी टेंजेंट लाइन बी एल वन के साथ टेंजेंट है, जहाँ पे वो एक्स वन अमाउंट ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई वन अमाउंट ऑफ कमोडिटी वाई को वो परचेज कर रहा है। अब फॉर सपोज कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है, अब इनकम इंक्रीज होने से जो बजट लाइन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इसका मतलब वो पहले से ज्यादा अमाउंट ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई को वो खरीद पाएगा, राइट। ये शिफ्टिंग जो है वो पैरेलल हो रही है, क्योंकि जो हम कमोडिटी के प्राइसेस हैं एक्स एंड वाई के, उनके प्राइसेस को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, इसलिए जो शिफ्टिंग होगी वो पैरेलल होगी। तो इनकम इंक्रीज होने से बजट लाइन बी एल वन से शिफ्ट होकर बी एल टू हो गई। यहाँ पे जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है दैट इज बी, जहाँ पे यू टू इनडिफरेंस कर उसके साथ टेंजेंट है, जहाँ पे एक्स टू एंड वाई टू कमोडिटी मतलब अमाउंट को वो खरीद रहा है। ऐसे ही पॉइंट सी हमें मिलता है अगर कंज्यूमर की इनकम को और इंक्रीज किया जाए। तो इन्हीं सभी यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग जो पॉइंट है, जो हमारे कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इन सारे पॉइंट्स को मिलाने से हमें मिलता है इनकम कंजप्शन कर्व आय उपभोग वक्र, राइट। जो क्या बताता है कि कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने से या कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने से कंज्यूमर की जो बास्केट है, बास्केट ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई, वो भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। यानी इनकम इंक्रीज होगी तो पहले से ज़्यादा वो अमाउंट दोनों कमोडिटीज़ की खरीद पाएगा, राइट। अब इसी कर्व से हम ड्रॉ करेंगे एंजल कर्व को। बेसिकली एंजल कर्व शोज द अमाउंट ऑफ अ गुड दैट अ कंज्यूमर वुड परचेज पर यूनिट ऑफ टाइम एट वेरियस मनी इनकम लेवल्स। हम वाई एक्सिस पे यहाँ पे मनी इनकम को लेके चल रहे हैं और एक्स एक्सिस पे कमोडिटी एक्स की क्वांटिटी को लेके चल रहे हैं। तो जब हमारा इनकम लेवल वाई वन है तो हम परचेज कर रहे हैं एक्स वन अमाउंट ऑफ कमोडिटी एक्स, जो कि हमने आईसीसी कॉ में भी देखा कि इनकम बढ़ने के साथ साथ कैसे हमारा जो क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड वाई वो इंक्रीज हो रहा है। तो हम सिर्फ एक्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जब इनकम लेवल बढ़ के वाई टू हो जाता है, वाई वन से वाई टू, तो कमोडिटी एक्स के अमाउंट वो भी बढ़ के एक्स वन से एक्स टू जाता है, वाई थ्री पे एक्स थ्री जाता है। इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमें कर्व मिलता है एंजल कर्व, दैट इज हैविंग अ पॉजिटिव स्लोप। क्योंकि हम यहाँ नॉर्मल गुड की बात करें तो नॉर्मल गुड के लिए
इनकम लेवल एंड डिमांड फॉर गुड के अंदर एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है कि नॉर्मल गुड्स के लिए कि इनकम बढ़ने पे अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती जाती है. तो इनकम लेवल बढ़ने के साथ तो क्वांटिटी ऑफ जो अमाउंट ऑफ जो परचेज अमाउंट है क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी की वो भी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो ये हमारा एंजल कर्व जो दिया था फ्रेंच इकोनॉमिस्ट एर्नेस्ट एंजल ने. अ कर्व दैट रिलेट्स द अमाउंट ऑफ ए कमोडिटी परचेज टू द लेवल ऑफ इनकम होल्डिंग कॉन्स्टेंट द प्राइसेज ऑफ ऑल द गुड्स. बाकी जो गुड्स हैं उनके प्राइसेज को कॉन्स्टेंट मान के चलेंगे. तो जब लेवल ऑफ इनकम में जब चेंज आता है तो उससे एक कमोडिटी की अमाउंट में कमोडिटी के परचेजिंग अमाउंट में क्या चेंजेज आते हैं तो वो एंजल कर्व दिखाता है. राइट, अभी जो गुड्स की हमने बात की एक्स एंड वाई कमोडिटी की वो थी हमारी नॉर्मल गुड्स. तो नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम कंजप्शन कर्व कैसा होगा, एंजल कर्व कैसा होगा. अब पर अगर दोनों गुड्स में से एक गुड इन्फीरियर गुड हो, फॉर एग्जांपल एक्स कमोडिटी हमने जो ली अगर वो इन्फीरियर क्वालिटी की है तो उस केस में इनकम में चेंज आने का उस कमोडिटी की परचेजिंग पे क्या इफेक्ट आएगा. देखिए कि जब इनकम में चेंज आता है तो हमारी बजट लाइन शिफ्ट होगी BL1 से BL2. लेकिन यहाँ पे क्या वाई कमोडिटी की अमाउंट तो इंक्रीज हो गई है लेकिन एक्स कमोडिटी की अमाउंट वो डिक्रीज हो गई है. पहले हम X1 अमाउंट को खरीद रहे थे लेकिन अब न्यू पॉइंट के ऊपर हम X2 अमाउंट को खरीद रहे हैं जो कि रिड्यूस हुई है पहले से, क्योंकि एक्स है यहाँ पे इन्फीरियर क्वालिटी की गुड है, इन्फीरियर गुड है. जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम अपनी जो पुअर क्वालिटी की चीज़ें हैं उनकी जगह पे सुपीरियर क्वालिटी की चीज़ों को प्रेफर करने लगते हैं. आपको पता होगा कि इन्फीरियर गुड्स के लिए जो इनकम लेवल में इन्फीरियर गुड्स के लिए जो इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव होता है कि इनकम लेवल बढ़ने के साथ साथ इन्फीरियर गुड्स की डिमांड है वो कम होती जाती है. ठीक है, तो एक्स कमोडिटी को हम इन्फीरियर मान के चले हैं तो यहाँ पे जो हमें एक नया ICC कर्व मिलेगा दैट इज ऑफ दिस शेप लाइक. ठीक है, कि पीछे की तरफ मुड़ा हुआ कि एक्स वाई कमोडिटी की डिमांड तो इंक्रीज हो रही है बट इनकम बढ़ने के साथ बजट लाइन शिफ्ट होने के साथ एक्स कमोडिटी की जो परचेजिंग अमाउंट है वो हमने पहले से कम कर दी है. राइट, इसी तरह जो एंजल कर्व है वो भी इन्फीरियर गुड्स के लिए नेगेटिव स्लोप का होता है कि मनी इनकम बढ़ने पे Y1 से Y2 जो हमारा मनी लेवल या इनकम लेवल बढ़ा तो हमारी जो एक्स कमोडिटी की डिमांड थी वो पहले से कम होगी X1 से X2 होगी. तो जो एंजल कर्व है वो इन्फीरियर गुड के लिए नेगेटिव स्लोप का होता है और नॉर्मल गुड्स के लिए पॉजिटिव स्लोप का होता है. राइट, दैट्स ऑल अबाउट इनकम कंजप्शन कर्व एंड एंजल कर्व. थैंक यू वेरी मच.